शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्वालियर में महंगाई के विरोध में अलग अलग 16 स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। दीनदयाल नगर चौराहे पर कांग्रेस नेता सुनील श्रीवास के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। यहां पर महिला कांग्रेस नेत्री भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से महंगाई को कम करने की मांग भी की। वहीं हजीरा चौराहे पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हजीरा चौराहे पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा का कहना है कि कोरोना काल होने के बावजूद भी बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई है, घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए और खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा कम किया जाना चाहिए। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 16 जगह पर महंगाई को लेकर धरना दिया जा रहा है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। प्रदेश सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पा रही है जिससे दाम कम किए जाएं, डीजल पेट्रोल के दाम, और काफ़ी कुछ लाइटों के हैं, बिजली के हैं, गैस सिलेंडर है, ये सारी चीज़ें जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, हमारे मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उस समय हर घर में हर गरीब के यहाँ 2 सब्जियाँ बनती थी। आज एक एक सब्जी के लाले पड़े हैं बनाने की, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। आगे क्या रहेगा? आगे हमारा अगर ये सुनते नहीं हैं, आगे चल के बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, तालाबंदी की जाएगी, रोडों पर निकलेंगे, संघर्ष करेंगे। कमर तोड़ महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की तकलीफ को उठाते हुए यह धरना दिया है। मांग करते हैं कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के बेतहाशा दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, खाद्यान्न के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, एक तरफ कोरोना महामारी से देश की, प्रदेश की और ग्वालियर की जनता त्रस्त है, उनके सामने जीवन यापन का बहुत बड़ा संकट है, और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा और प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा बेतहाशा महंगाई करना जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मांग करता है कि मोदी जी और शिवराज सिंह जी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करिए, रसोई गैस के दाम कम करिए, खाद्यान्न के दाम कम करिए, बिजली के बिल कोरोना महामारी के माफ करिए, बिजली की दरों में कटौती कम करिए और जनता को राहत दीजिए, नहीं तो अपने पदों से इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पर।